जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कल मुख्यमंत्री भजन लाल जी वापस देश में लौट रहे हैं, प्रदेश में आएंगे, और जापान और कोरिया की जो उनकी यात्रा है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं राइजिंग राजस्थान का जो खाका है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी उस खाके का कुछ हिस्सा वहाँ पर लिख कर आए हैं, क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पर जब से माननीय भजन लाल जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए हैं, लगातार जो हमारे पास सूचना है वहाँ के रिस्पांस के अनुसार लगातार MOU साइन हो रहे हैं। राजस्थान में एक बड़ा निवेश लेकर आने वाले हैं। राजस्थान की पिछली सरकार की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो राजस्थान को सबसे लास्ट की पंक्ति में राजस्थान को खड़ा कर दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसको वापस फिर से एक अच्छा राजस्थान बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर कल जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरी पार्टी में जोश है, और पूरा मुख्यमंत्री जी की ओर से जो पूरा हमें मेरी बातचीत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बड़ा निवेश हम लेकर आ रहे हैं और राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान का विकास होगा। एक आखिरी सवाल यह है कि अक्सर ये देखा गया है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट समिट जब भी होते हैं वो जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, जैसे पिछली सरकार की बात करें तब होते हैं, लेकिन इस पहल को आप किस प्रकार से देखते हैं कि सरकार के पहले ही साल में इस प्रकार का इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग? देखिए, पिछली सरकार तो खाली दिखावा किया करती थी। अशोक गहलोत जी उनकी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को लेकर पूरी 5 साल तक लड़ते रहे, वो उनका और कहीं ध्यान नहीं था, और उन्होंने जो मीट किया वो खाली दिखावे के लिए, वोट बटोरने के लिए किया। मुझे लगता है राजस्थान को ज़रूरत है आज पैसों की, हम लोगों को निवेशक की ज़रूरत है, लोग आएँ हमारे यहाँ पर व्यापार करें, हमारे राजस्थान को डेवलप करने में हमारी मदद करें, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ से ही ये प्रयास चालू किया और भजन लाल जी बड़े निवेश के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये था मेरे साथ जितेंद्र गोठवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़े निवेश के साथ कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी वापस देश लौट रहे हैं, प्रदेश लौट रहे हैं, और जाहिर सी बात है जैसा कि जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि इनकी भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इनको कहा है कि मैं राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ा निवेश लेकर आ रहा हूँ, और जाहिर सी बात है जब प्रदेश में इस प्रकार का निवेश होगा तो रोज़गार भी ज़रूर पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस यात्रा से और दिसंबर माह में होने वाले इवेंट राइजिंग राजस्थान की वजह से हमारे प्रदेश में ना सिर्फ निवेश होगा बल्कि रोज़गार बढ़ने के भी काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि आसार देखे जा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।